अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। ये हम है, ये होटल है और पैसा हमारा चेहरा आगे लो अपने बेटा। अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। क्लीन हो गया है हमारा स्विमिंग पूल, अभी चलते एंजॉय करते हैं। हम सब रेडी हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं और आज का लुक हमारा कुछ इस तरीके का। हम खाने का वेट कर रहे हैं कि खाना रेडी हो जाएगा तो हम खा के निकलते हैं। आपको होटल होटल कैसा लग रहा है? पैसे आपके, बाकी सब कुछ मेरा है। होटल अच्छा है, टाइम पास हो रहा है, पैसों की बर्बादी है बस। बत्ती बत्ती जाएगी अभी। अच्छा, यहाँ पर कुछ गर्ल्स गैंग आई हुई थी जो कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उन्होंने बहुत बड़ा सा केक लाए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बंदर आ गए थे और उन्होंने उनका केक लेकर चले गए थे, या बाकायदा उनके हाथों में से भी छीन लिया था। सो मैंने ये वीडियो बहुत बाद में शूट किया है इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत हंसी आ रही थी देख कर उनको। और हम यहाँ पे अपना कॉक बेड इंजॉय कर रहा है, कभी बॉल से खेलता है कभी कॉक से खेलता है, और माशाल्लाह दोनों बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत खुश हो गए थे। सो अच्छा लग रहा था। यहाँ पर और हम अब बस सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हम अब लंच के लिए जा रहे हैं क्योंकि खाना रेडी हो गया है। और बस ये देखिए यहाँ का जो नज़ारा है वो किच इस तरीके से बहुत प्यारा लग रहा है। ये रात में बहुत अच्छा लगता है जब लाइट्स वगैरह ऑन होती है और सॉन्ग बजता है यहाँ पर भी, तो अच्छा लगता है। ये पूल के लिए सॉन्ग है सो बहुत अच्छा लगता है। खाने में भी बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ थी तो बहुत अच्छा खाना था। हमारा जो लंच है वो भी आ गया है, तो लंच में हमारा था चिकन अंगारा और भिंडी मसाला, रोटी, दाल, राइस, पापड़, सैलेड, बहुत सारा था। और मीठे में क्या था? मीठे में देखते हैं। अम्मा चेहरा आगे लो अपने बेटा, आगे होके बैठो। चेहरा आगे लेके बैठ एकदम। ये मैं यहाँ पर अपना खाना इंजॉय करते हुए, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, खाना बहुत टेस्टी था, तो वही इंजॉय कर रही हूँ। हम सब जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग पे पॉइंट्स देखने, जितने भी पॉइंट्स हैं। तो अभी सब लोग बाहर जा चुके, बस मैं चप्पल पहन रही हूँ अपनी शूज़, और फिर मैं भी निकलती हूँ। सो चलिए चलते हैं। जब उतरे तो देखो मंकी हमारे स्वागत के लिए बैठा है। क्या ये पॉइंट है? कौन सा? अच्छा, अभी नीचे जा रहे जो ये ना। ठीक है, चलो आराम से बेटा।
ये देखिए यहाँ का रास्ता भी बहुत डेंजर है और बहुत स्लोप में है, जो कि बहुत स्लिप हो रहा है। सो बस हम ध्यान से यहाँ से उतर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हम जॉर्ज पॉइंट पे आ गए, किंग जॉर्ज पॉइंट पे, और यहाँ का व्यू ऐसा है जो कि रियल में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि आप देखते रहो बस। हाय, अड्डू इधर देखो, अड्डू फोटो खिंचाओ, इधर देखो, इधर डैडी को, इधर अड्डू, इधर नहीं देखे आप, गुस्सा है वो। इतने ज़्यादा चढ़ान है और स्लोप है, तो उसी वजह से ढाल बहुत ज़्यादा है इस रास्ते में, तो आप चलते चलते बहुत ज़्यादा थक जाते हो, जो कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। ये तो जंगल आ गया, डैडी मम्मी के पैर दुख गए। डैडी इसको लेके चल, ये सही है ना मॉम? ये देखिए यहाँ, अब रास्ता यहाँ का देखिए कैसा है, और बहुत लंबा चलना होता है, जो कि बहुत हिम्मत की बात है। पर यहाँ पर हॉर्स नहीं आ सकते क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा अंदर अंदर है और छोटे छोटे रास्ते हैं। हाथ नहीं छोड़ना ना, स्लोप आ रहा है, बार बार गिर जाओगे नहीं तो। तुम ध्यान से, ध्यान से उतरो। क्यों चिल्ला रही है पब्लिक? फोटो खिंचाने के लिए 10 रुपए हैं। किसके? कौन बोला? वो क्या लिखा हुआ है कहाँ? अच्छा, इसके ऊपर। हाँ, इसमें। अब ये हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आए हैं, जो कि कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे जो एक हार्ट बना हुआ है ना, उसमें फोटो खिंचाने के भी 10 रुपीज चार्ज है। बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। और यहाँ पे कुछ इतना खास लगा नहीं, बस ठीक ठाक था। अच्छा, कुछ ऐसा ज़्यादा देखने जैसा नहीं था। सड़े का ये रहने देगा कि नहीं देगा? हाँ क्या? हाँ एकदम बुद्धू है, बुद्धू। हाँ डैडी यो, हाँ, मस्त हवा आ रही। अच्छा, ये जाते हुए देखिए ये अंकल किस तरीके से बॉटल सर पे रख के फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, और पीछे का रास्ता देखिए जहाँ से हम आ रहे हैं, कितना लंबा रास्ता है, और आगे बहुत लंबा भी चलना भी है। क्यों? पानी की बोतल, एक पानी की बोतल देना, ठंडा। कितने की पानी की बोतल? ठीक है, दे दो, दे रहे 10 रुपीज। ला, फिर यहाँ हम थर्ड पॉइंट पे आए हैं, और यहाँ पर जो है ग्लास गेम के, मतलब 50 रुपीज़ है चार्ज, और आप 3 बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप ये गिरा देते हो एक ही बार में, तो आपको 300 रुपीज़ प्राइज़ है। सो जब मेरी बारी आई, मेरे हस्बैंड तो नहीं गिरा पाए, जब मैंने गिराया उसको, तो मेरा थर्ड बार हो चुका था, फोर्थ टाइम में गिरा था। सो बैड लक था तो, लेकिन अच्छा था। मैंने उसको पहले पूछा, भाई ये मतलब चिपके हुए तो नहीं है ना, कि ऐसा ना हो कि गिरे ही नहीं। तो फिर उसने सब दिखाया, नहीं मैडम ऐसा नहीं है, कि ये सब गिरते हैं बराबर। अब यहाँ हम जा रहे हैं नेक्स्ट लेक पे, तो जो कि बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का। सो मैं देख के वही हैरान हो रही हूँ। ये बहुत बड़ी झील है, और बाकायदा इसका जो पानी है ना, वो जब आप बारिश में आते हो ना, तो जब पता चलता है, जो हर जगह से यहाँ पर पानी ऊपर तक भी आता है, जो कि बहुत ख़तरा है। और इसका व्यू बहुत प्यारा है, बहुत गहरी झील है ये। यहाँ पे आने का मज़ा सिर्फ बरसात में, इस लेक पे आने का मज़ा। हम आ गए सड़ेले लेक पे, कुछ और नहीं, ये हमारी पार्टी हो रही है। अरे हमारी पार्टी हो रही है सच्ची। क्या कर रहे हो रू? बस चलो, अभी सीधा चलो। चलो मत, ये क्या है पार्टी है? क्या ये मच्छी है? झिंगुर है वो, झिंगुर।
हाँ इतना पानी कम है जो और आ रहा है। झील कितनी गहरी है। हाँ बाप रे देख के डर लग रहा है इसको। इतने सारे बंदर है यहाँ पे। हाँ देख माशाल्लाह चश्मे बद्दू बद्दू। हमारा राजा हट। ये बटरफ्लाई पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई है। कितनी सारी है ना। Show me loving. I need your loving. अबे जा रहा है वो लगे ना तो लगाम जोर से खींचने तो रुकेगा वो। अजी भाग रहे। हाँ तो लगाम खींच के रखो थोड़ा। हाँ खींचोगी तो वो स्लो है। बाप रे यो क्या। चलो हम हॉर्स राइडिंग करके आए और देखो लाइटिंग कितनी प्यारी है ना रू, तुमको भी अच्छी लग रही है। वाह मौज कर रहा है। वाह बेटे मौज कर दी। हाँ फाउंटेन चालू है वो। हम थक वक के आ गए हैं और अपने हमने चाय अपनी ऑर्डर कर दी और चाय का ही वेट कर रहे हैं। बस चाय आएगी तो फिर चाय एंजॉय करेंगे शाम की। मम्मी बाइल दो। मम्मी बाइल दो। मम्मी बाइल। अच्छा पहले हाय कर दो फिर दे दो। हाय। हाय ऐसे करो ऐसे। हाय हाय। आज अरु अच्छा लग रहा है। किस किस को प्यारा लग रहा है। हाँ सबको अच्छा लग रहा है। शाम का नाश्ता सैनिटाइजर बहुत स्ट्रॉन्ग है जी स्मेल। हाँ अच्छी चाय। व्यू भी मस्त है मस्त। अच्छा यहाँ के जो होटल के जितने भी स्टाफ थे ना जितने भी बंदे थे बहुत ही अच्छे थे और सब हमारे साथ मतलब अच्छे से बात कर रहे थे, बच्चों के साथ अच्छे से खेल रहे थे। अच्छा सुकून पा रहा है मेरे में। बाय जाओ। अरे नहीं निकाल पाया चल। क्या कर रहा है। पैसा ही पैसा वो कह रहा डैडी को पैसा ही भेज दे। अरे मेरी डाई है। मेरी डाई थी ना जाने वाली थी मेरी। नहीं गई ना मजे कर। एक दो तीन चार। रख नीचे रख। उठा नीचे से बीच में डाल। ये गोटी गिरा दे सीधा सब गोटी। अब हम जा रहे हैं खाना खाने रात का और उसके बाद यहीं व्लॉग एंड हो जाएगा। ये यहाँ पर अब आ गया है और सूप जो कि वेज सूप था। मैं कोई सा सूप कभी पीती नहीं हूँ लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और मुझे ये बहुत पसंद आया था ये सूप। पीऊंगी लड़की है तो पहली बार कोई सूप अच्छा लगा मुझे। वरना मैं सूप नहीं पीती हूँ।
सूप के बाद अब हमारा जो डिनर है वो आ गया है, पापड़ है, सैलेड है और चिकन का जो ग्रेवी सालन है, और उसके बाद वेज में भी गया था, वेज भाजी थी कुछ, और मस्त था खाना वही बता रही। और कस्टर्ड तो इतना ज़्यादा अमेजिंग था ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी था कस्टर्ड, और खाना बहुत अच्छा था यहाँ का, मतलब आ सकते कि बस आप खाते रहो। कस्टर्ड हमें इतना अच्छा लगा था ना कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने दो प्लेट खाया था और एक बाउल मंगा लिया था कि आप एक बार और ले आओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी है कस्टर्ड। खाना वगैरह खाकर हो गया है और यहाँ का खाना ना इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना अमेजिंग है कि मतलब पेट भर जाएगा। क्या होता है वो, पेट भर जाएगा, रू नहीं भरती, मतलब हाँ पेट भर जाएगा आपका पर रू चाहेगी कि आप खाते रहो। और इतना लजीज खाना है ना कि बहुत ही ज़्यादा आपके पैसे वसूल है यहाँ पर। एक बात उन्होंने पहले बोली थी जब हमने बुक किया था कि आपको खाना बहुत टेस्टी मिलेगा। सो अभी 9:30 हो गए और हम खा करके फ्री हो गए, और बाहर का व्यू जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना, हल्के हल्के से ना सॉन्ग बज रहे धीमी धीमी सी आवाज़ में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अरहम जो है वो यहाँ पर सो रहा है, दिख रहा है आपको। सो इसीलिए यहाँ की लाइट्स ऑफ है, और अब मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर बैठती हूँ, फिर उसके बाद आके चेंज वेंज करेंगे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आज बहुत बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ अच्छी हुई। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।